चलिए आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, मेरी शुभकामनाएं, मेरे आशीर्वाद इन दी सेंस माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे साथी और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थी जो इस मंथ बोले तो फरवरी और मार्च दो महीने में बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपनी लाइफ को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और सतत अध्ययन कर रहे हैं। इन सबसे मैं ऐसा कहना चाहता था कि अभी कुछ दिन पहले की बात हुई, मतलब तीन तारीख या चार तारीख को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। उसमें मैंने कक्षा ट्वेल्थ के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश को लेते हुए उसका कैलकुलेशंस तो डिस्क्रिप्शन में दिया था मैंने उसमें, और थंबनेल में बोला था कि 100 में से 100 नंबर कैसे आएंगे, उसके बारे में जानकारी दिया था। तो जानकारी देते समय मेरा 10 से 12 मिनट का जो लेक्चर था, उस लेक्चर में मैंने कुछ बात अपनी रखा और आपने वो बात को समझा। और उसमें बात जब मैं बता रहा था तो एक खंड आया था ग्रामर सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में जो ग्रामर आया, तो जब मैं उसके बारे में आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपके सामने ये वीडियोस लेके आऊँगा और अपलोड करूँगा जिसमें ग्रामर्स की जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को जाती है, और ये बताया था कि 32 नंबर अगर मिलते हैं तो 33 नहीं मिलते तो उसको एक नंबर नहीं मिलने की वजह से सप्लीमेंट्री आ जाती है। या फिर मैंने ऐसा भी बताया था कि अगर मान लिया किसी के 59.9 आ जाते, एक नंबर कम हो जाता है तो वो फर्स्ट डिवीजन नहीं आ पाता है, या 74.9 आ जाए, 75 नहीं आ पाया तो एक सम्मानित जो परसेंटेज होता है, सम्मान जो मिलता है, जैसे लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 25,000 का एक क्रेडिट जो मनी थी वो गवर्नमेंट से प्राप्त किया था उसमें रह जाता है। एक नंबर का बहुत महत्व होता है। तो हमने 90 नंबर के लिए तो बोला था कि कैसे कैसे मिलेंगे, 10 नंबर की जो ग्रामर होती है ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ने ये कहा था कि प्रॉब्लम जाती है, तो उसको हमने सॉल्व करने के लिए अपने एक प्लान बनाया। और यह हमारी जो चॉकआउट प्लानिंग जो थी उसके अंतर्गत हमको इतने दिन लगे और आपके सामने हम आए। तो ये क्वेश्चंस और ग्रामर के क्वेश्चंस और उसके आंसर्स देने के लिए आपके सामने जब आए तो 9th, 10th, 11th, 12th सभी क्लासेस में ये देखा। इवन मतलब ये बोलना चाहिए कि कॉलेज में भी अगर मान लिया आप पढ़ रहे हैं और ग्रामर से संबंधित अगर आपका फाउंडेशन कोर्स वगैरह है तो उसमें भी ये क्वेश्चंस आते हैं और उसके आंसर्स आते हैं। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम उसको चालू करें। तो मैं आपके सामने कुछ बात रखूँगा, जैसे सपोज़ करो कि ट्वेल्थ का जब मैंने वो देखा, क्वेश्चन पेपर देखा, तो उसमें डू एस डायरेक्टेड दिए, 11th में भी दिया, 10th में भी दिया, 9th में भी दिया, इवन कॉलेज में भी आता है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आजकल ये बहुत सारी परीक्षाएं हैं जिसमें पूछ रहे हैं। तो बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन उन छोटी छोटी बातों से छोटे छोटे नंबर काउंट करते हुए हम बड़े नंबर नहीं बना पाते, एक रैंक नहीं बना पाते, जिसके कारण हमारा सेलेक्शन लिस्ट पर नाम नहीं आ पाता, यहाँ पर हमारे अच्छे परसेंटेज नहीं बन पाते यहाँ पर बोले इन द सेंस क्लासेस में, देन आफ्टर दैट आपके कॉम्पिटिशन में। तो हम क्या करें, जैसे मैंने क्वेश्चन देखा तो उसमें आया डू एस डायरेक्टेड, अब कहीं पर एक एनी वर्ड आया, एनी, तो एनी वर्ड क्या है, ANY, इसकी मीनिंग आपको मालूम है, बट आप उसका कितना नॉलेज रखते हैं, कितनी गहराई तक नॉलेज रखते हैं उस वर्ड का। तो ग्रामर में उसको डिटर्मिनेशंस कहा गया। डिटर्मिनेशंस क्या है, और मॉडर्न ग्रामर और जो बोलना चाहिए न्यू ग्रामर, मॉडर्न मतलब, और जो ओल्ड ग्रामर थी, उन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो क्यों ना हम थोड़ा इसका अध्ययन मतलब डिटेल्स ना करें, डिटेल्स करें मतलब, और उसके बारे में हमको पकड़ मालूम रहे कि एनी का प्रयोग हो तो क्या है, मच का प्रयोग हो तो क्या है, मैनी का क्या है, तो डिटर्मिनेंस क्या है, एडजेक्टिव्स क्या है और मॉडल्स क्या है। इस तरह से ग्रामर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको एक सिक्वेंसली फॉर्म में अगर मान लिया चलें अपन सीरियसली बोलो तो ये आपको जल्दी समझ में आएगा। अब डू एस डायरेक्टेड में संबंधित ही हो गया, देन 5 नंबर का आएगा, और 5 नंबर का जो आता है आपको फिल इन द ब्लैंक्स ये आपसे बन जाएगा। तो इस तरह से आपके पास नंबर हो गए 10 नंबर, तो 10 नंबर हमको लेना है, 10 में से 10 नंबर लेना है। अब क्या होता है, 11th क्लास में अगर मान लिया कोई दिया है, मान लिया सपोज करो वाइस, 12th में अगर सपोज करो नहीं दिया, 11th में दिया है या 9th में दिया है, वाइस 12th में दिया, तो 12th में अगर एक क्वेश्चन कहीं से आ जाता है अनसीन पेसेस से संबंधित, कहीं कोई बात थी उसने दिया है कि ये वाइस का एक क्वेश्चन है, इसको आप पीसी वाइज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आपने चूंकि 11th में पढ़ा था और 12th में उसका अध्ययन नहीं कर पाया, इन केस तो ये कहने की बात नहीं आती कि हम उससे नहीं बन पाया इसलिए हम उसका नंबर नहीं ले पा रहे हैं, नहीं, हमने उसका अध्ययन पहले किया था या 9th क्लास में कभी किया था, तो मतलब पहले की क्लासेस में 9th में 10th में 11th में किया था, और वो चीज़ें हम 12th में कंटिन्यूशन पर नहीं पढ़ पा रहे, रेगुलर नहीं पढ़ पा रहे और वो हमको नहीं बन पा रहे हैं। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि 9th, 10th, 11th, 12th सब का लेते हुए एक मटेरियल बहुत अच्छा तैयार करें और 10 से 15-20 वीडियोस में इसको पूरा बता दें आपको, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करते हुए। हाँ, मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि
कि यदि मान लिया डिस्क्रिप्शन आप देखेंगे तो पहले के उसमें एक लिंक शेयर कर देंगे हम, और जो पहले के जो वीडियोस थे उसमें नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव्स वगैरह के सब हमने डेफिनेशन दिया था पार्ट्स ऑफ स्पीच से संबंधित, तो वो भी आप देख सकते हैं। और नए तरीके से भी हम आपको देने जा रहे हैं, जैसे मान लिया एक टॉपिक आता है डिटरमिनेंस, तो डिटरमिनेंस क्या है, तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में जो फंक्शंस के आधार पर जो इसको रखा गया है, तो कुछ शब्दों को डिटरमिनेंस के नाम से एक अलग क्लास में हमने इसको क्या किया, सेट किया, रखा हुआ है, और उसके अंतर्गत रखे हैं। तो हम ये देखना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए पहले एडजेक्टिव के अंतर्गत रखे जाते थे पहले डिटरमिनेंस, अब इसको हमने डिटरमिनेंस को अलग कर दिया, पहले एडजेक्टिव के अंतर्गत रखे जाते थे, अब एडजेक्टिव जिस नाउन के साथ आते हैं, एडजेक्टिव जिस नाउन के साथ आते हैं, नाउन क्या होता है, तो पहले छोटी सी बात, फिर आगे नाउन क्या होता है, तो नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग, तो जिस नाउन के पहले रखी जाती है, साथ रखी जाती है, पहले ना बोल के साथ रखे जाते हैं, तो उसका कोई गुण या विशेषता बतलाते हैं, ये काय की बात हुई, एडजेक्टिव की बात हुई। बट व्हाट इज डिटरमिनर्स, डिटरमिनर्स जिस नाउन के साथ आते हैं उसके किसी भी गुण या विशेषता को नहीं बतलाते हैं, ये डिटरमिनर्स है, ये डिफरेंसेस आ गए दोनों में, और ये इनकी संख्या या मात्रा, बोले तो क्वांटिटी एंड क्वालिटी के बारे में बताते हैं, कौन डिटरमिनर्स किसी नाउन के साथ अगर आते हैं, और एडजेक्टिव के बारे में क्या देखिए, हम ये थोड़ी थोड़ी सी जानकारी आपको हो जाए, ये बोलना चाहिए कि बैकग्राउंड आपका कितना मजबूत है, फंडामेंटल कितना क्लियर है, देन इसके बारे में एक शब्द लेके हम अलग 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 छोटे छोटे 5, 7, 8, 9, 10, 12 ऐसे मिनट के वीडियोस आपके लिए अपलोड करते जाएंगे, अध्ययन के लिए भी, नॉलेज के लिए भी, और मेन चीज़ मेरा मकसद है कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं स्कूल्स में अच्छे नंबर लाने के लिए काम आएंगे। अब सवाल ये उठता है कि यदि मान लिया आपने बोले कि एडजेक्टिव और डिटरमिनेंस के बारे में जैसे अभी हमने आपको बताया, तो एडजेक्टिव का उपयोग दोनों प्रकार से हम कर सकते हैं, दो प्रकार के आ जाएंगे, एट्रीब्यूटिवली होता है और एक प्रेडिकेटिवली होता है। अगर एट्रीब्यूटिवली यूज अगर आप करते हैं तो एट्रीब्यूटिवली में क्या होता है कि बिफोर नाउन, और एट्रीब्यूटिवली क्या होता है कि आफ्टर लिंकिंग वर्ब, दैट मीन्स आफ्टर वर्ब। तो ये एट्रीब्यूटिवली मतलब गुणधर्म के अंतर्गत आ जाता है, और प्रेडिकेटिवली मतलब विधेयात्मक स्थिति में जाती है, एक काम कर रहा है एडजेक्टिव्स, जैसे हमने जस्ट लाइक कह दिया कि द बॉय, लेकिन हम दबा ना कह के द टॉल बॉय कह दें, द टॉल बॉय, टॉल टी ए डबल एल टॉल, या एक एडजेक्टिव टॉल टॉल टॉलेस्ट, हम इसको डिग्री के डिग्री बोलते हैं आज नई ग्रामर में, तो वैसे भी एडजेक्टिव है क्योंकि बॉय की विशेषता बता रहा है कि बच्चा कैसा है, ऊंचा है, लंबा है, टॉल बॉय, तो बॉय जो शब्द है ये नाउन के पहले टॉल आया, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका एट्रीब्यूटिवली यूज हो गया। बट अगर हम तो बोलते हैं द बॉय इज, लड़का है, टॉल, लंबा है, तो इस जो है लिंकिंग वर्ब है, इसके जस्ट बाद में यूज हुआ है क्या चीज, टॉल, तो ये यहाँ पर प्रेडिकेटिवली यूज हो गया। तो बोलने में, अंग्रेजी बोलने में ये चीज़ें वो नहीं है मतलब कि आप, हाँ लेकिन आप अगर डिस्टिंग्विशली अगर मान लिया आप ये बता रहे हैं विशिष्टता उसकी बता रहे हैं, तो आप ये कहिएगा कि वो ग्रामर पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको उसको नॉलेज है कि नहीं है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि ये टॉल बाद में आया तो क्या हो रहा है, पहले आया तो क्या, इन द सेंस, तो आप अंग्रेजी बात करते समय इतना ध्यान रखते बोल देते हैं कि सेंस निकलना चाहिए, तो यह आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। अब डिटरमिनेंस का उपयोग की बात अगर आप करते हैं तो प्रोनोमिनल अगर हम बात करें, प्रोनोमिनल फंक्शंस को छोड़कर जिसके लिए कुछ फॉर्म्स भी अलग होते हैं, केवल एट्रीब्यूटिवली ही किया जा सकता है कुछ डिटरमिनेंस का उपयोग। दूसरा होता है कि कम्युनिकेशन की आवश्यकता के अनुसार एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स एक साथ उपयोग किए जा सकते हैं, जैसे हमने कह दिया कि ए वेरी अट्रैक्टिव लार्ज ब्लैक बेल्ट, अब ए वेरी अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव क्या हो गया, लार्ज क्या हो गया, और ब्लैक बेल्ट क्या हो गया, तो बेल्ट है नाउन एक्चुअल में, इसके पहले अगर आया ब्लैक तो बेल्ट काला है, और बात आती है कि ब्लैक है तो लार्ज, तो लार्ज ब्लैक बेल्ट, तो लार्ज मतलब बड़ा, बेल्ट के बारे में बता रहा है, और ब्लैक है लेकिन कैसा है वो और कौन है, तो ब्लैक जो है वो बेल्ट है, तो बेल्ट क्या है, ब्लैक है, देन वो बड़ा है बेल्ट, तो काला मतलब बड़ा काला बेल्ट, तो जो बेल्ट है वो क्या है, लार्ज है, उसके जस्ट पहले क्या था, वो ब्लैक था। और एक बात और भी आती है अट्रैक्टिव, तो अट्रैक्टिव है
लार्ज है देन ब्लैक है, ये सब किसके बारे में बताया जा रहा है? बेल्ट के बारे में बताया, और बेल्ट क्या है? नाउन है, और नाउन के सभी क्या आ रहे हैं? पहले आ रहे हैं। तो वही मैंने कहा आपको कि यदि मान लिया कम्युनिकेशन की आवश्यकता के अनुसार यदि मान लिया हम बात करते हैं तो एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स एक साथ उपयोग किए जा सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको कहा, किंतु कुछ को छोड़कर जिनका उल्लेख हम आगे करेंगे। दो डिटरमिनर्स एक साथ नहीं आते, दो डिटरमिनर्स एक साथ नहीं आते, जैसे हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे और वीडियोस में तो डिटेल्स हम करेंगे इनके सबके बारे में। अभी मैं आपको बैकग्राउंड इसका बता रहा हूँ, फंडामेंटल बेस ये बता रहे हैं दो चीजों की। तीसरी चीज क्या आती है? एडजेक्टिव को या एडजेक्टिव्स प्लूरल फॉर्म में बोले हम, क्योंकि सभी की बात कर रहे हैं। एडजेक्टिव्स को एडवर्ब ऑफ डिग्री के द्वारा भी मॉडिफाई किया जा सकता है। अब एडवर्ब ऑफ डिग्रीज क्या है? मैंने अभी आपको बताया था टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, इसके द्वारा बता सकते हैं। तो एक बॉय है, बॉय, वो टॉल बॉय था। अब वो टॉल के आगे अगर हमने वेरी लगा दिए तो ये टॉल की विशेषता क्या? वेरी, बहुत बहुत लंबा, बहुत ऊंचा, तो वेरी टॉल बॉय। अगर मान लिया वहां पर वेरी ना बोल के अगर टू बोले, टू, टी डबल ओ टू, अत्यधिक, इसका अर्थ माइनस में जाने लगे, अत्यधिक ऊंचा, मतलब इतना कि माइनस में अर्थ जाने लगता है। टू हैवी टेबल, अत्यधिक भारी, कैसे माइनस में जाएगा? आप बोलेंगे माइनस में जा रहा, कैसे माइनस में जाएगा? ऐसे जाएगा कि अत्यधिक भारी है कि इसको कोई उठा नहीं सकता, वो टू। ये हमारा हो गया ये क्या बोलना चाहिए, डिटरमिनर्स एक साथ यूज नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ जो हैवी आया है ये एक एडजेक्टिव है। और फिर आता है फेयरली लार्ज हाउस, फेयरली, तो एफ ए आई आर एल वाई फेयरली आ गया। अभी लार्ज के लिए आया कि हाउस के लिए आया? तो लार्ज, तो हाउस तो लार्ज तो था, लेकिन वो लार्ज क्या था? फेयरली लार्ज हाउस, ये दे दिया उसने। किंतु डिटरमिनर्स को इस प्रकार मॉडिफाई नहीं किया जा सकता कि दोनों एक साथ आए, दोनों एक साथ आए, एक आएगा मतलब कह रहा था, और मैंने जो बताया वो डबल डबल के बता रहा था, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। डिटरमिनर्स का अध्ययन करने के लिए हमें दो बातों को केंद्रित करना होगा, ध्यान देना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, ध्यान में लाना पड़ेगा। दो बातें क्या है? व्हाट आर दे, यू वॉन्ट टू नो, उनके द्वारा किस अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, पहली बात किस अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, नंबर दूसरी बात कि उनके बाद किस प्रकार की संज्ञाओं का उपयोग किया जा सकता है। ये दो बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर डिटरमिनेंस का अध्ययन हम कर रहे हैं, तो दो बातों में। अब सवाल उठता है कि ओल्ड ग्रामर और न्यू ग्रामर, मतलब मॉडर्न, मॉडर्न ग्रामर की बात करें तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में नाउन का जो नया वर्गीकरण, वर्गीकरण दैट मीन्स क्लासिफिकेशन किया गया है, वह डिटरमिनेंस के उपयोग के लिए अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है। समझिए बात, अतः इस क्लासिफिकेशन पर एक बार फिर ध्यान देना आपके लिए आवश्यक होगा। मैं कुछ बुक्स का हेल्प ले रहा हूं, आप समझ रहे हैं, और उसमें से जो अच्छी चीज मुझे मिल रही है मैं आप तक के पहुंचा रहा हूं, अध्ययन है, और जो काम की बात है वो आप तक के पहुंच जाएगी और आप उसका अध्ययन करेंगे। अब जैसे बात आई कि नाउन्स, जितनी बात की उसके आपके कंटिन्यूशन में, नाउन्स, नाउन्स क्या होते हैं? आपने देखा ए नाउन इज द नेम ऑफ एन पर्सन, प्लेस, एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन हम वो बात नहीं कर रहे हैं कि पांच प्रकार के नाउन होते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पहला खंड होता है नाउन, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये हमने पहले की वीडियोस में, मतलब प्रीवियस उसमें दे चुका है। अभी हम बता रहे हैं कि नाउन जो है वो प्रॉपर नाउन है और कॉमन नाउन है। अब प्रॉपर नाउन है और कॉमन नाउन है, तो इसमें कॉमन नाउन अगर है तो वो फिर कौन है? काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है? फिर बात आती है कि काउंटेबल नाउन अगर है तो उसमें सिंगुलर नाउन है कि प्लूरल नाउन है? नाउन ना बोल के नाउन्स बोल रहे हैं हम, ये चीज हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमारी लिंक क्या बनी? हमारी लिंक ये बनी कि यदि मान लिया कोई कॉमन नाउन अगर कोई है तो वो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन होगा, और काउंटेबल नाउन होगा तो सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स होगा। अब बात ये आती है कि हमने प्रॉपर नाउन्स के साथ अगर बात किया, कुछ अपवाद होते हैं, एक्सेप्शनल केसेस में देखा जाता है जो हम बात बोल रहे हैं, हर जगह आता है। तो प्रॉपर नाउन्स के साथ अगर मान लिया हम देखिए आर्टिकल्स तथा अन्य डिटरमिनेंस का उपयोग नहीं किया जाता, तो कहाँ नहीं किया जाता? कुछ अपवादों को छोड़कर नहीं किया जाता। अब कुछ जगह आएगा तो आप बोलेंगे आपने ऐसा कहा है, इसलिए कुछ अपवाद है, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। कॉमन नाउन्स के साथ डिटरमिनेंस का उपयोग किया जाता है, कॉमन नाउन्स के साथ, और किस प्रकार की नाउन्स के साथ कौन कौन से डिटरमिनेंस का उपयोग किया जाता है या जा सकता है, तो बेटर रहेगा किया जा सकता है, इसकी जानकारी
इंग्लिश लैंग्वेज के सही उपयोग के लिए अत्यंत आवश्यक है। यहां तक भी आपको क्लियर हो गया, समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये मुझ पर प्रकाश कम ज्यादा हो रहा होगा तो आप इसको बिल्कुल वी फ्रैंक कह रहा हूं, ये जो ऑन और ऑफ होती ना हमारी लाइट एमपीपी का, उसके सिस्टम की काम हो रहा है, उसको आप देखिएगा, मैं आपके सामने ही हूं। इस क्लासिफिकेशन के अनुसार कॉमन नाउंस की तीन कैटेगरीज बनती है, डिफाइन की जाती है। कौन कौन सी तीन कैटेगरीज है? काउंटेबल नाउंस अगर हैं, काउंटेबल गिन सकते हैं इसको, गणती हैं, तो सवाल उठता है कि वो सिंगुलर नाउंस में है कि काउंटेबल नाउंस है, तो नंबर दो वो प्लूरल नाउन में है, और तीसरा होता है कि अगर नहीं है दोनों तो फिर क्या है, अनकाउंटेबल नाउंस में है। मैंने बता दिया इनकी संख्या या मात्रा के लिए हम बात कर रहे थे, संख्या बोले तो क्वांटिटी एंड मात्रा बोले तो क्वालिटी, मतलब क्वांटिटी, तो क्वांटिटी एंड नंबर्स की बात कर रहे थे, गिनने के लिए दो चीज आ रही थी। अब अगर मान लिया हम कहते हैं कुछ डिटरमिनेंट्स ऐसे होते हैं जो पहला काउंटेबल सिंगुलर नाउंस के साथ आ सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो केवल काउंटेबल प्लूरल नाउंस के साथ आ सकते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल नाउंस के साथ आ सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो कुछ डिटरमिनर्स, चौथे पॉइंट में बात करें तो ऐसे भी हो सकते हैं जो काउंटेबल सिंगुलर नाउंस हो या फिर अनकाउंटेबल नाउंस हो के साथ भी आ सकते हैं या आते हैं, तो आ सकते हैं, तो बात हमने बताया। कुछ ऐसे हो जाते हैं जो काउंटेबल प्लूरल नंबर या प्लूरल नाउंस और अनकाउंटेबल नाउंस के साथ आ सकते हैं। देखिए कंफ्यूज होने की बात नहीं है, पहले मैंने कहा कि काउंटेबल सिंगुलर नाउंस के साथ और अनकाउंटेबल नाउंस के साथ, दूसरी बात मैं कह रहा हूं अभी जो कह रहा था कि अनकाउंटेबल प्लूरल नाउंस, अनकाउंटेबल प्लूरल नाउंस और काउंटेबल प्लूरल नाउंस, तो काउंटेबल प्लूरल नाउंस और अनकाउंटेबल नाउंस के साथ प्रयोग किए जा सकते हैं। और ऐसे कुछ अंतिम बात बोलेंगे, ऐसे भी कुछ ऐसे होते हैं डिटरमिनेंट्स जो तीनों बोले तो फर्स्ट काउंटेबल सिंगुलर नाउंस, दूसरा मतलब काउंटेबल प्लूरल नाउंस और थर्ड अनकाउंटेबल नाउंस के साथ यूज होते हैं। ये सब बात हुई। अब अगर ऐसी है तो इनका उपयोग हम कैसे करेंगे? यहां से हम आपको बता रहे थे कि जो हमारा बेस था, जो आपको बताने का जो मकसद था वो कंप्लीट हो रहा है, और नेक्स्ट जो वीडियोज अब कंटिन्यू जो आ रही हैं इसके बाद आपको पूरी बात समझ में जाएगी जितनी हमने अभी बात बताया। अब वो क्या है, डिटरमिनर्स क्या है? तो निर्धारक है, डिटरमिनर्स आर वर्ड्स दैट डिटरमाइन्स द नंबर और क्वांटिटी ऑफ ए नाउन, किसी नाउन की संख्या या उसकी मात्रा बता रहे हैं, किसी वस्तु की संख्या या मात्रा निर्धारित करने वाले शब्द को निर्धारक कहते हैं। ये हम आपको बता रहे हैं। अब आप बोलेंगे आप ये निर्धारक हमको पढ़ा रहे हैं, मतलब डिटरमिनर्स पढ़ा रहे हैं, ये क्या चीज है? ये ही वो है जो अभी आपके डू एस डायरेक्टेड, जब आप 12th में 11th में करेंगे 9th 10th में करेंगे उसमें जब एनी दिखता है तो एनी क्या है, वो चीजें आपके पास आती है। इनफ आता था, इनफ क्या है, सम क्या है, ये है। तो फिर आप जब वीडियोस देखते रहेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली रहेगा, बिल्कुल स्पष्ट रहेगा कि ये डिटरमिनेंट्स आया, देन ये मॉडल्स आया है, ये टेंस आया, ये वाइज सब अलग अलग आएंगे। तो हमारी सलाह के अनुसार जो साइंस विजन चैनल के माध्यम से हम आपके सामने आए हैं, आप इसके जस्ट बाद की वीडियोस पूरी अगर कंटिन्यूस देखते हैं तो उसके हम नंबर देंगे आपको, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 इसके नंबर नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमने आपको बेस बताया है कि हर चीज़ चालू करने पहले 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आ जाते हैं सामने स्टूडेंट्स के। अब उसने जो उसमें 5 क्वेश्चन आए तो 5 चीज़ें पूछा है, कोई मॉडल से संबंधित पूछा, कोई डिटरमिनेंट से संबंधित पूछा, कोई टेंस से संबंधित पूछा, कोई वाइज से पूछा है, कोई उन्हें नरेशन से संबंधित पूछा है, और इन चीज़ों को किसी ने अगर पहले अध्ययन किया है तो वो समझ रहा है उसको, उसका डिटेल अध्ययन है तो वो बिल्कुल समझ के सोच के उसका बिल्कुल सही आंसर दे के आता है और पूरे नंबर प्राप्त कर जाता है। लेकिन किसी ने इसको अगर पढ़ लिया, डिटेल्स नहीं पढ़ा, उसका अध्ययन नहीं किया, तो उन लोगों के लिए ये वीडियोस जो डले जा रहे हैं, और आज का जो खासकर आज पूरा देखेंगे आप जब समझ में आएगा, ये बहुत उपयोगी सिद्ध होगा और सही और सार्थक सिद्ध होगा। और जिन्होंने बीच से भी कहीं से देखा कर मान लिया वीडियोस, और जिनका अध्ययन पहले से था, हमारे वीडियोस देखने के पहले भी क्लास में पढ़े होंगे
गुरु जी ने पढ़ाए होंगे, टीचर्स ने पढ़ाए होंगे, प्रोफेसर ने पढ़ाए होंगे, कहीं ट्यूशन ने पढ़ाए होंगे, तो वो बीच से पकड़ सकते क्योंकि उनको पहले से नॉलेज था। लेकिन जिनको पहले से नॉलेज नहीं था उन लोगों को ये देखना पड़ेगा और यहाँ से डिटेल चलना पड़ेगा आपको। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा और मुझे समझने की कोशिश करेंगे आप। और यदि इतनी बातों के अंतर्गत आपको कोई बात समझ में नहीं आएगी तो आप डेफिनेट है कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे और मुझे समझ में आएगा, उसका मैं रिस्पॉन्स जैसा मेरे से बनेगा मैं दे पाऊंगा। क्योंकि मार्च सामने है और ये फरवरी के बहुत कम दिन बचे हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो मैं जितना एज पॉसिबल इस कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप तक के आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उसके सॉल्यूशंस को पहुँचा सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। ये वीडियो हमारा आप देखते रहें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साइंस विजन चैनल को, हाँ वे लोग जो नए लोग हैं वो इसको क्या बोलना चाहिए, बेल आइकॉन की जो बटन होती है उसको प्रेस करिएगा और इसका लाभ उठाते रहिएगा। आई होप कि जस्ट इसके कंटिन्यू एक एक दो वीडियोज आज तक के कंटिन्यू अभी पहुँच रही ग्रामर सेक्शन को लेते हुए, अन्य सब्जेक्ट्स में लेते हुए भी जो वीडियोज थी केमिस्ट्री की हैं, फिजिक्स की, जिसके हमने क्वेश्चन दिए हैं हमारे पास कॉमेंट्स बॉक्स में आया है कि उसके आंसर्स आपने डिमांड किया। थैंक यू वेरी मच उस बात के लिए आपको कि आपने हमारा उत्साह बढ़ाया। जैसे जैसे समय मिलते जा रहा है हम आपके डिमांड्स को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और आपका उत्साह हमारे लिए बहुत उपयोगी है। सच जानिए हम पूरी कोशिश करेंगे। देन ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।